Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. बीते दिनों बॉलीवुड के गलियारों से ऐसी खबरें सामने आई थी कि टाइगर श्रॉफ की आने वाली जबरदस्त एक्शन फिल्म रैम्बो बंद हो गई है। रैम्बो के निर्माताओं ने इसे न बनाने का फैसला किया है। इसके बाद टाइगर श्रॉफ के फैंस काफी निराश हो गए थे। आखिरकार इस फिल्म में उन्हें टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को जो मिलने वाला था। हालांकि अब इस फिल्म से एक खुशखबरी सामने आई है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि रैम्बो का हिंदी रिमेक जरूर बनेगा, लेकिन इसके शुरू होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सिद्धार्थ के अनुसार रैम्बो का रिमेक शुरू करने से पहले काफी सारी तैयारियों की जरूरत है, जिनको पूरा करने के लिए कुछ दिन चाहिए। सिद्धार्थ के अनुसार जब मैं और टाइगर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तभी यशराज की दूसरी एक्शन फिल्म की प्लानिंग होने लगी। उसके लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में ऋतिक रोशन का नाम आया और उसके बाद हमने टाइगर श्रॉफ से बात की। उसी समय मैंने टाइगर को बता दिया था कि अगर हम यशराज की इस नई फिल्म पर काम करेंगे तो हमें रैम्बो को कुछ दिनों पर होल्ड पर रखना पड़ेगा। मैंने और टाइगर दोनों ने इस बात पर हामी भरी कि हम पहले यशराज की फिल्म निपटाते हैं और उसके बाद रैम्बो पर काम शुरू करेंगे। सिद्धार्थ ने बताया कि रैम्बो के ऐलान करने से पहले ही ये फैसला हो गया था कि यह एक फ्रेंचाइजी फिल्म होगी। हालांकि उसके लिए पहले भाग का बॉक्स ऑफिस पर सफल होना जरूरी है। अगर पहली रैम्बो हिट रहती है तो इसके आगे के भाग बनाए जा सकेंगे। सिद्धार्थ के अनुसार फिल्म रैम्बो की शूटिंग 2019 से शुरू होगी और इसे 2020 में रिलीज किया जाएगा।